14 अप्रैल 2023 को भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती ग्राम बिंदा में मनाई गई। बाबा साहेब अंबेडकर जी की विचारधारा एवं उनकी उपलब्धियों को ग्राम वासियों एवं बच्चों के बीच बताया गया। हमारे आदर्श एवं प्रेरणादायक हैं। इस जयंती के शुभ अवसर पर भाजपा युवा अध्यक्ष विक्की सिंह के नेतृत्व में बच्चों को कॉपी कलर एवं मिठाइयां बांटी गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित जैसे युवा महामंत्री सिंधु कुमार, चैनपुरी, अजय कुमार, प्रिंस कुमार आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सही सर ने कहा, यही हमारा उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से हम यहाँ इस गाँव में आए। बिंदा के जितने भी तमाम ग्रामवासी हैं, ठीक है, जब कोई बाहर से कभी आते हैं आपके गांव में, तो पहले उनका जानना का आप प्रयास करें कि किस स्थिति से वो आए। पहले समझिए, आपके बच्चे ही आपके भविष्य हैं। आज माननीय भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर साहब जयंती हम लोग मनाने शोभ से चल कर आए हैं यहाँ पे, ठीक है, शोभ से चल के आए हैं, जिसलिए कि आपके बच्चे भविष्य में पढ़ लिख कर आगे बढ़े। इस अवसर पर सभी बच्चों को कॉपी कलम और मिठाई से बांट कर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ताकि इनमें भी उत्साह जगे, उत्साह जगे, बच्चे भी उत्साह जगे। हमें आज इस अवसर पर लोग आके हम लोग उत्साहित कर रहे हैं और इनके इसी रूप में हम इनका जयंती मना रहे हैं कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, ठीक है। ये किसी भी जात पात से नहीं होता। हमारा देश जात पात में नहीं बटा हुआ है। हमारा देश सिर्फ कोई सिर्फ धर्म में नहीं बटा हुआ है। लोग बांट दिए हैं, हम लोग सिर्फ एक धर्म में है, ठीक है, वो हम लोग भारतवर्ष में रहने वाले हर नागरिक एक ही जाति के हैं, कोई अलग जाति के नहीं हम लोग। इसलिए ये हमारे उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ इस जयंती पे कि सभी बच्चे आगे बढ़े, बढ़कर अपना घर का, अपने पिताजी का, इस देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद।